नमस्कार, वेलकम टू प्लांटोनेट द प्लांट प्लैनेट। नाउ यू कैन विजिट अस ऑन plantonet.com। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी मैं अग्निहोत्र कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। गाय और बछिया दोनों यहाँ पे हैं और देख सकते हैं कितना घना कोहरा है। सुबह सुबह ये फूल खिले हैं, ये चारों ओर का नज़ारा है और गांव के अंदर माँ हिंगुला का पूजा है, तो उसके चलते यात्रा फंक्शन ड्रामा वो सब हो रहा है, जिसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं वीडियो में। इसमें है अक्षत चावल, ये है बिलोना किया हुआ शुद्ध घी और अब हम करेंगे अग्निहोत्र। हमारी गाय अभी खड़ी है, नाम अभी बछड़े को लेके आ रहे हैं। खुटी तो मारे ऐसा बड़ा मारे देख मारे हैं देख रहे हैं लोग यार कौन है अभी अब ये पांच दिन है ये सामना फिर गुरेगी एक खुटी डर गुरेगी तब मैं गुरेगी तब तब मार रहा था आप जा को तो बहुत क्या हाथ बताऊं हाँ अभी दूध उबाल रहे हैं, करीब हाफ लीटर दूध आज हमने लिया, बाकी बछड़ा बछड़े को पीने दे दिया। आज हम इस पंप को खोलेंगे तो अभी ये जो इसका प्रोटेक्टिव टेप है इसको खोल दिया, काट लिए। फिर क्या करना है कि यहाँ देख सकते हैं ऐसे कुछ लॉक्स लगे हैं, इन लॉक्स को मुझे लगता है कि खींच के निकालना पड़ेगा। तो इसको सीधा करना पड़ेगा ऐसे, फिर ऐसे ये देख सकते हैं ऐसे मुड़े हुए हैं, तो ये पिंस ऐसे करके सीधा कर लेंगे। ये ऐसे निकल गया, चलिए सारे पिंस सीधा करते हैं। मोटर पे 5 years की वारंटी है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे 5 year वारंटी। तो यहाँ पे इसका सीरियल नंबर लिखा है, देख सकते हैं कि एक में मोटर है एक में पंप है। तो ऐसा निकाला था हमने, इस साइड से निकलेगा मोटर, इस साइड से निकलेगा पंप।
काफी हैवी है ये पैकिंग मटेरियल। ये पंप सेक्शन और ये है मोटर। इसके अंदर ये ऐसे वाटरप्रूफ टेप है, दिखाता हूँ क्या लिखा है इस पे। फायर रिटार्डेंट FR ग्रेड सेल्फ एडहेसिव PVC इंसुलेटिंग टेप। इसके साथ ये वाला वाटरप्रूफ टेप है और ये वाला नॉर्मल जो हम ब्लैक टेप बोलते हैं वो है। दिखाएं खोल के। और जो वाटरप्रूफ टेप है देख सकते हैं तीन वायर्स रहते हैं, तो एक यहाँ पे, दो इधर और तीन इधर, तीनों के लिए तीन टेप्स ऐसा दिया हुआ है। ये है अपना मोटर जो कि काफी भारी है। ये वायर निकाल लिया, फिर ये नट बोल्ट निकालेंगे। ये है इसका प्रोटेक्टिव रबर इधर है। इसमें वाटर फिल करने का होल नहीं है। चलिए मैं इसके स्पेसिफिकेशंस आपको नजदीक से दिखाता हूं। ओके, वो हो गया। ये हमारा पंप का सेक्शन है। देख सकते हैं इतने तक ही है, यहां पे जाली है। ये इसका आउटपुट है। इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, HP किलोवाट, 2 HP 1.5 किलोवाट, स्टेजेस 17 स्टेज का है। काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3। ये वाला नहीं होता सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 होता है, 17 स्टेज का है। फिर वोल्टेज 150 वोल्ट पे चलेगा। फेज, ये थ्री फेज मोटर है। करंट 9.5 एम्पीयर करंट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़, स्पीड 2880 आरपीएम, इनपुट पावर 1800 वाट पावर, डिलीवरी साइज 38 mm, ड्यूटी पॉइंट 70 मीटर्स, फ्लो 25,200 लीटर्स पर डे, ये 25,200 लीटर्स। हेड रेंज 55 to 70, बोर साइज 101 mm, ड्यूटी कंटिन्यूस S1, वेट टाइप इज ये ऑयल फील्ड है, इसमें कुछ फिल नहीं करना पड़ेगा। मिनिमम सबमर्शन 2 meters, थर्मली ओवरलोड प्रोटेक्टेड बाय कंट्रोलर लूबी इंडस्ट्रीज।
तो ये है हमारा कंट्रोलर सोलर पंप का। ये है लूबी का कंट्रोलर। ये जो है देखिए वार्निंग, इंश्योर राइट कनेक्शंस फॉर डीसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डू नॉट स्विच ऑन एसी एंड डीसी एमसीबी एट द सेम टाइम, अबव मिस्टेक विल डैमेज द सोलर कंट्रोलर पैनल्स एंड वारंटी विल बी वॉइड। तो यहाँ पे वायर नंबर, लाइन न्यूट्रल, यहाँ पे सप्लाई 230 वोल्ट एसी का जाएगा, यहाँ पे ए बी जो लिखा है लाइन और न्यूट्रल, फिर उसके बाद यू वी डब्ल्यू 345 आउटपुट जाएगा पंप पे। तो ये लिखा है यू वी और ये डब्ल्यू, ये जाएगा पंप पे रेड येलो ब्लू, और उसके बाद ये है ई, ई फॉर अर्थ, यहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन है। डीसी प्लस डीसी माइनस सोलर पैनल का सप्लाई आएगा, डीसी प्लस डीसी माइनस सोलर पैनल का सप्लाई, और इसमें फ्लोट स्विच कनेक्शन जो है 2DI फ्लोट स्विच ड्राई रन सेंसर, पंप ऑन ऑफ करने के लिए ये है, लूबी रन ये प्रोग्राम सेट करने का, स्टॉप रीसेट, मे कॉज इंजरी और इलेक्ट्रिक शॉक, 10 मिनट्स अंटिल डीसी बस कैपेसिटर चार्ज, फॉलो द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल कुछ है नहीं इसमें, दिया नहीं गया है, प्लीज यूज प्रॉपर ग्राउंडिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। इसका जो ये जो दोनों वायर्स हैं दो सेम कलर के हैं, लेकिन इस पर मैंने लाइन के लिए मतलब फेज में इसमें लगाया है लाइन और ये न्यूट्रल। तो ये दोनों अभी हम हमारे डीपी पे लगाएंगे, और यहाँ पे ऐसा लिखा है लेफ्ट वाला वन और टू, वन है लाइन टू है न्यूट्रल। ये दोनों केबल एकदम टाइट से माउंट हो गए। अभी यू वी डब्ल्यू जो है हम लोग लगाएंगे हमारे थ्री फेज मोटर में। तो अभी ये जो केबल है जो ब्लैक टेप लगा था ना, एकदम चिपचिपा हो गया है, ये इसको ऐसा आराम से काटेंगे। केयरफुली काटना है, और आपका हाथ भी कटना हो देख के करना है। पानी वाला ना बिना पानी वाला बेटा, ऑयल वाला, ऑयल वाला वो कहां जाले, वो लिखा है ऑयल फील्ड, सिगुली लिखा है, वो टाइप ऑयल फील्ड। अभी विजय भाई आके पहुंचे हैं इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि अकेले नहीं कर पाता मैं। वायर को कनेक्ट करके चेक करना है, ये पैनल है। यू वी डब्ल्यू अच्छे तीन टा कलर लगे हो। तो भी ये इसका लाइन दोनों में आ रहा है, क्योंकि हम हमारा इन्वर्टर पे लगा रहे हैं, उसको लगा के ऑन करना है।
अभी ये स्विच ऑफ है, इसको ऑन करेंगे। एमसीयू उठाएंगे, एमसीयू उठा के ऑन किया तो ये इनिशियलाइज होगा 50 हर्ज। यहाँ पे जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है यहाँ पे इसका स्पीड बढ़ रहा है। आवाज़ सुन सकते हैं, धीरे धीरे ये स्लो स्टार्ट हो रहा है और फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अब ये 50 हर्ज पहुँच गया, ऑफ करेंगे फिर ऑन किया तो इसका फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ा है। तो पंप हमारा काम कर रहा है, डिस्कनेक्ट करेंगे और बाकी का इंस्टॉलेशन करेंगे। एमसीबी डाउन करेंगे और ये अपना सबमर्सिबल का केबल निकाल देंगे। तो अभी हम इसको असेंबल करेंगे। ये वाला पाइप हमने प्लग कर दिया था, खोल के अभी टैप लगा दिया। अभी ये दूसरा जो टैप है ये भी उस तरफ लगा देंगे तो हमारा टैप से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। हर तरफ पाइप लग जाएगा और हम पानी खोल के एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने फूल खिले हैं यहाँ पे, ये पिंक येलो नहीं पिंक और ऑरेंज में से ना मुझे वो रेड वाला बहुत पसंद है, उसको और भी ज़्यादा प्रोपागेट कराना है। लेकिन ये जो पिंक वाला है ना बहुत ज़्यादा खिलता है, पाइप लग गया इधर। अभी चलते हैं अपना श्री गणेश करेंगे और देखेंगे कि हर जगह पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पानी तो आने लग जाना चाहिए, ये आ गया पानी। फिर जाने ना तुम खोल साली नहीं बोली ना ना, इटा टांकी लगे हमारा ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମର ଯଦି ପାଇପ୍ ସବୁ ଲାଗିଲା ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ। କାଫି ଦୂର ସେ ଆ ରହା ହେ ପାଣି ଇସଲିଏ ଏୟାର ନିକଲ ରହା ହେ। आ गया पानी इधर भी, फिर यहां ये अपना फ्लश का पानी इधर, ये नहाने का, सारे टैप्स में अभी पानी आने लग गया और एक टैप किधर है बाहर।
ये वाला। इसमें भी पानी आ गया और यहाँ पे देखते हैं, वेरी सक्सेसफुल। बाथरूम में पानी, टॉयलेट में ऑल अराउंड अभी पानी का सप्लाई जो है आ गया। जो पाइप इधर उधर खींच के बाथरूम के लिए ये सब यूज करते थे उसका झमेला खत्म। तो अभी मुझे करना है ये आरओ फिल्टर का इंस्टॉलेशन, यहाँ पे इंस्टॉल कर दूंगा। तो अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करना है। तो ये जो पॉइंट टू पॉइंट है 6 cm, तो 6 cm पे हम 2 होल करके इसको ऐसे लगा देंगे। तो ये यहाँ पे इन आएगा, यहाँ से आउट जाएगा। दूसरा अभी ये नायलॉन स्लीव इसके अंदर डाल देंगे, लंबा स्क्रू ऐसे लगा दिया, इसमें भी लगाएंगे अभी। इसको ऐसे टाइट कर देंगे, ये जो आरओ फिल्टर है ये दोनों होल्स हैं। तो ये एक हम लोग अगर 20.5 ये होल करेंगे तो ये ठीक बैठेगा, यहाँ पे लगेगा। चलिए इसका 20.5 निकालते हैं, एक आएगा इधर और एक आएगा इधर। तो ये जो वाटर इन है ये रिजेक्ट वाटर है, ये वाला आउट है, यहाँ पे लगेगा। इसको ऐसे प्रेस करना है अंदर और इसको ऐसे दबा देने का, फिर खींचेंगे तो नहीं निकलेगा ये। और ये अपना जो पानी आ रहा है इधर से जो टैप से ऐसे कनेक्ट होके आ रहा है, ये लगेगा अपना जो इन लिखा है इधर,
तो इसको प्रेस करके पकड़ना है और पुश करना है। ये हो गया इंस्टॉल। दिखा देता हूँ कहाँ पे इन और आउट लिखा है। ये आउट, ये इन वाला पाइप वहाँ से आया, जो आउट वाला है इधर, ये यहाँ से गया इसका वाटर इन में, और ये जो रिजेक्ट वाटर है ये यहाँ पे आया, इसको हम डाल देंगे बाहर। ऐसा कहीं बाहर डाल देंगे, वहाँ पे डब्बा या बाल्टी कुछ रख लेंगे, जो भी वेस्ट वाटर वहाँ पे कलेक्ट होगा वो बाहर चला जाएगा। तो पानी का सिस्टम यहाँ पे हो गया, हाथ धोने का सिस्टम नीचे हो गया, नीचे कर देंगे यहाँ पे ड्रेन और बाकी सारा सिस्टम। तो अभी टेम्परेरी के लिए ये पावर स्विच, जिसमें पावर स्ट्रिप, हैंडमेड पावर स्ट्रिप, जिसमें से मैं ड्रिल मशीन लगा कर ड्रिल कर रहा था, इसको लगा दिया, ऑन किया तो चलने लगा। दिखाता हूँ आपको, ऑन करने से ये ब्लू लाइट देख सकते हैं, यूवी मॉड्यूल का लाइट ऑन हो रहा है, और क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है स्टार्ट हो गया। इसको ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे इसका मार्कर है, देख सकते हैं ये 3 लीटर्स, 6 लीटर्स, 9 लीटर्स, 12, ऐसे करके वहाँ तक है। तो अभी पानी का फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं ये जो रिजेक्ट वाटर है जो मैं बाहर डाला था, अभी ये रिजेक्ट वाटर आना चालू हो गया। इसको बाहर डाल देंगे, ऐसे अपना पीने का पानी का बंदोबस्त ये कॉर्नर में हो गया। पावर मैं टेम्परेरीली यहाँ से लेके आया हूँ, वहाँ से जो कम उड़ाने तरह स्क्रू वगैरह थी नहीं। अभी ये GI पाइप जो है कट पीस, उसके दोनों तरफ टेप लगा दिए, ये लगेगा मोटर में, फिर ये स्टील निपल जो है उस पे टेप लगा रहे हैं। अभी GI रिड्यूसर लगा रहे हैं, मोचा दीटा नट थी यही भाई पेच दी। हमारा ये जो कुटिया है, यहाँ पे चूल्हा बना दिए और पानी उबाल के उसमें गुड़ डाल दिए, हमारा जो TCBT कल्चर है, बैक्टीरिया कल्चर, उसमें डालने के लिए सामने मिट्टी डाला है ताकि पानी अंदर ना आए। यहाँ पे काट दिया ऐसे, तो ये जो छत का पानी ये वहाँ टपक के बह जाए, और हम लोग यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ମାର୍କିଂ କରୁଛି, ହୋଲ୍ଟା କଲା ଉପରେ ହଜାଣ ଉପରେ କୋଉ ପଟେ ହୋଲ୍ଟା ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ନା କ'ଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହୋଲ୍ କରା ହେବ।
उल्टा कूट रहे अगर ठीक है बड़ो खाली कर दूस नहीं पट्टा कागज जो आम पेटी फेटी जालुच जो ये स्टेनलेस स्टील का नट बोल्ट है यहाँ पे डालेंगे ताकि ये जो वो निपल है इसको और पाइप को जो जॉइंट इसके इन दोनों का जो जॉइंट है वो परफेक्टली रहे। अभी ये वायर गाइड जो है केबल गाइड वो निकाल रहे हैं बुले बुले की तब तो ये जो शू है ये अलाइन हो गया रबर शू यहाँ पे वो गियर जो है पिनियन जो है वो घुस गया मोटर का चारों ऐसे नट लगा दिए वॉशर स्प्रिंग वॉशर लगा के ये केबल का गाइड यहाँ पे लगाएंगे ये दोनों स्क्रूज इधर है अभी वहाँ से जो केबल निकला था ये गाइड लगा के इसको टाइट करना है
यहाँ से 8 इंच पे वो होल पहले से मेजर कर दिए थे और उसी लाइन पे इसको रख के ठीक रख लो बोलियो ठीक रख लो भलो बोलियो एटा एटा लागिबो आसी किछ लागिबो ना बोलो सेट मिस्टर पछुरा मजे मजे अडके बोला यहाँ से पकड़ा हूँ यहाँ पर पैर डाल के ये तीनों जॉइंट ये और वो तीनों जॉइंट टाइट हो रहे हैं एक साथ वाले स्क्रूज भी थोड़ा थोड़ा टाइट कर दिए हम ये टाइट हो गया इंस्टॉल हो गया केबल लग गया अभी टू चेन के लिए वो क्लैंप्स लगेंगे टूचन पे ईट है बोते ठीक बोलेगी ईट बंधी हो जब ये दबा क्लैंप ऊपर फुटी हुई ऊपर बसी ऊपर भारी ऊपर भारी घंटे पड़ेगी ऊपर क्लैंप दिया हो मऊसा गल की फसा पहला मऊसा ताड़ी फसा की फसा ताड़ी फसा हंडा कौन छोटा गाड़ी तो वाला धान पाल पड़ रहा है ताड़ी फसा हाँ मुझे फसा डिपार्टमेंट जमा मोर हुई नहीं तुम्हारे एक्सपर्ट अपना घर होगा ये जो तीन केबल्स हैं इसको अलग अलग साइज में काट रहे हैं ताकि अगर एक का इंसुलेशन का कुछ हुआ तो दूसरा शॉर्ट ना हो तो ये तीनों को ऐसे एक यहाँ और एक यहाँ काटा है वो रहा हमारा 200 फीट का केबल थ्री कोर तो अभी इसका उल्टा काटेंगे वहाँ यहाँ पे ब्लू सबसे लंबा है तो वहाँ पे ब्लू सबसे छोटा रहेगा यहाँ पे रेड सबसे छोटा है वहाँ रेड सबसे लंबा है और येलो जो है वो सेम साइज का रहेगा ये देख सकते हैं ऑपोजिट से रेड सबसे छोटा वहाँ पे लंबा अभी वाटर प्रूफ टेप लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर पानी ना घुसे पहले ब्लैक टेप लगाया इलेक्ट्रिकल टेप ताकि जो वायर है उसको तोड़ के बाहर ना निकले हमारे पास ये पुरानी पुराना सा मच्छरदान पड़ा था
उसको ऐसे काट के यहाँ पे टेप लगा के एक एडिशनल फिल्टर जैसे डाल दिए हैं। टो चेन जो है उसका एंड शार्प होके ऐसा निकला था, कहीं लगे ना, तो उसको भी टेप किया है। फिर यहाँ पे वाटरप्रूफ टेप, पहले ब्लैक टेप इंडिविजुअल वायर पे, फिर वाटरप्रूफ टेप, फिर उसके ऊपर ब्लैक टेप, फिर सबको मिला के ब्लैक टेप किया है, ऐसे टाइटली जॉइन किया हुआ है। ये ऐसा केसिंग का ये जो टुकड़ा है देख सकते हैं, इसको छेनी से मार के ऐसे कट करके जो सॉल्यूशन लगा था उस पर उसको निकाल दिए, खोल दिए। अभी हम सेफ्टी के लिए ये जो बोर कवर है इसको लगा के छोड़ देंगे, ताकि अगर किसी के हाथ से छूटा या फिर कुछ हुआ तो ये हमारा बैकअप रहेगा। लास्ट एंड यहाँ तक जाके ही अभी हम वहाँ से एसी वायर कनेक्ट करके ले आए, कनेक्ट कर दिया, ये ऑन हो गया। ये रसिया नहीं, हाँ 17 स्टेज है मीटर गेंग को लाया। सुबिड़ी जी चलो दो ये दोनों साइड ब्लैक कलर का ही वॉशर इधर और इधर लगा दिए, ताकि सिस्टम में से पानी ऐसे ना बहे अगर कभी ओवरफ्लो हुआ तो। इसका फ्लोट वाल्व का बॉल है, ये दो लॉक्स लगेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको गार्डनिंग और फार्मिंग रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले सारे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फार्मिंग और गार्डनिंग में इंटरेस्टेड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारे वीडियो शेयर करें। टिल देन कीप वॉचिंग प्लांटोनेट द प्लांट प्लैनेट। नाउ यू कैन विजिट अस ऑन plantonet.com।